गन कहाँ है, मेरी गन कहाँ है, गन कहाँ है, गन कहाँ है? ओह नो, बता देगा वो। लाशों के ढेर लगा दूंगा यहाँ पर मैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और पता चुके हैं फिर से एक हिटमैन 3 के गेम प्ले वीडियो के अंदर। और सॉरी भाई, इस बार क्या हुआ, थोड़ा टाइम लग गया इस गेम प्ले को लाने के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली क्या हो रहा था कि GTA खेल रहा था। और कोई बात नहीं, अपन आ चुके हैं इस फिर से इस गेम में। और पिछली बार जो अपन ने दुबई के अंदर जाकर के बुर्ज दुबई के ऊपर भाई तगड़े स्टंट किए थे मिशन इम्पॉसिबल वाले, आज जो है मुझे लगता है डिटेक्टिव वाला मिशन है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यार भाई, 2 सेकंड का काम है, नीचे जाना है, लाइक कर देना है वीडियो को, है कि नहीं? Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ओके भाई, तो अपन आ चुके हैं मिशन में। एलिमिनेट करना है अपने को एलेक्सा कार्लाइल को और फाइंड करनी है केस फाइल। और यहाँ पे ये हुआ है कि जो एलेक्सा है उसने अपनी जो मौत है उसका झूठा नाटक किया और अपने बच्चों बच्चों सबको बुला लिया है। भाई ये था कि एलेक्सा के जो परदादा थे उन्होंने इतनी बड़ी हवेली बनाई और उसने उसकी दादी को बोला कि आओ कभी हवेली पे, और उसके बाद में जो है एलेक्सा पैदा हो चुका। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन आ गया? That is Phineas Whitmer, the famous private investigator. Hired by Madam Carlyle this morning. Okay, तो अपने को ये बोल रहा है कि अब ये जो इन्वेस्टिगेटर आया इन्वेस्ट करने के लिए, और शिट यहाँ पे किसी ने देख तो नहीं लिया, ये जो इन्वेस्टिगेटर आया इसको मुझे मारना है और मुझे लगता है इसकी जगह लेनी पड़ेगी, अपने को इन्वेस्टिगेटर बन के जाना पड़ेगा एलेक्सा से तभी मिल सकते हैं। फॉलो द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, फिलहाल तो अपने को इसको फॉलो ही करना है। और इससे तो यार यहाँ पे कौन कौन है भाई, गार्ड हो रही एलेक्सा रेड कलर में, यहाँ पे बच के जाना पड़ेगा मुझे, इसको फॉलो करना है। बट मैं फॉलो कैसे करूँ, यहाँ पे तो सब लोग मुझे जान जाएंगे, क्योंकि क्या है कि उसने बोला कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सबको पता है कि यहाँ पे हिटमैन आने वाला है भाई 47, इस 47 से को जो है बच के जाना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, पाइप पे चढ़ सकता हूँ क्या? अरे बहुत बढ़िया, पाइप पे जाएंगे भाई, लेकिन कोई आना जाए इस साइड में, पाइप पे चला तो जाऊंगा मैं, स्टंट करूंगा, मिशन इम्पॉसिबल वाला स्टंट होएगा यहाँ पे भी, लेकिन ये इम्पॉसिबल मिशन नहीं है, इसकी हाइट केवल 1 फ्लोर ही है। ओए यहाँ पे नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता अभी तो, ये आ रहा है यार, ये देख ना ले मुझे कहीं भाई, देख मत लेना, कोई नहीं है यहाँ पे, तो यार चेकअप कर थोड़ा अच्छे से, इस साइड में तो नहीं आ रहा ना कोई। ओए वो दोनों सामने जा रहे हैं भाई, मैं छुपा हुआ हूँ यहाँ पे यार, इनको दिख नहीं रहा मैं सामने खड़ा हूँ। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भाई कोई मत रखे, फालतू के पैसे काटते हैं, उसमें से केवल एक को प्रॉब्लम है, दूसरा तो मुझे जानता भी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत अच्छे, ठीक है भाई ये वाला जा चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या है, किसका रूम है ये? इंटेल आई है कुछ मेरे पास, रिबेका का लैपटॉप है। अच्छा रिबेका ने बोला है कि वो जो है कॉल पे थी पिछले लास्ट के 10 बजे रात को। ये मुझे क्या, ये क्या चीज है, पेंटिंग है यहाँ पे? ओ ये तो सीक्रेट रास्ता है भाई, खजाना मिलेगा यहाँ पे। 10 seconds later, कुछ भी नहीं मिला मुझे तो। ओ यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, ये कौन है? जॉनी सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 लोग है ना, एक तो यार ये बंदा है वो तो बैठा हुआ है केवल, लैपटॉप पे काम कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है लैपटॉप पे, मियाँ खलीफा के वीडियो सर्च कर रहा है भाई। बट इस बंदे को जो है मुझे काम से इसका काम करना पड़ेगा कुछ तो, इसको उधर जाने दो, ठीक है ये उधर गया, अब इसको गेट को खोल दो भाई। ओए इतना शोर मत कर भाई, बैठ जा नीचे, यहाँ पे खड़ा हुआ है ये, सॉरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कुछ भी दिल पे मत लेना बात को, मुझे बस तुझे लेके जो है यहाँ से जाना पड़ेगा, बस ये देख ना ले पीछे मुड़के, या फिर कोई आना जाए यहाँ पे, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ भाई जल्दी से। सॉरी भाई, तुझसे भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी, लॉयर के कपड़े पहन लेता हूँ भाई। ये लॉयर था, ये क्या चीज है, इसको मैं देख सकता हूँ क्या, इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ भाई इसको? It all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Oh, lawyer ही बेकार निकला, इसने सारे पैसे जो हैं चुरा लिए। अनपढ़ लोगों के साथ में काम करने का यही फायदा होता है। That is Alexa Carlyle. Unofficial leader of the Provenance Partners. क्या मैडम, कैसे हैं आप? ओ, इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ मैं कुछ? Sir, you can't be here. ओ, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ भाई, मुझे उससे बात करनी थी यार, मुझे लगा उससे बात कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेटर कहाँ पर है यार, मुझे उसके पास में जाना है। ओके मैं कौन से, मैं लेवल 1 पे हूँ, मुझे 0 पे जाना है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ कहाँ पर है भाई, इतना बड़ा घर बना रखा है यहाँ पे, सीढ़ियाँ कहाँ पर है? ये रही। Looking good, looking good. Thank you भाई, तारीफ कर रहा है, लुकिंग गुड, देखता हूँ कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट तो लग रहा हूँ ना मैं। ओ लॉयर, लॉयर लग रहा है भाई, हिटमैन तो। लॉयर जो है कहाँ पर है, यहीं पर खड़ा है क्या लॉयर? लॉयर उस साइड में है कहीं पे, मुझे लॉयर के पास जाना पड़ेगा यार। अच्छा लॉयर आ जाओ, मुझे डिस्गाइज करना है योरसेल्फ एज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, इसको मारना पड़ेगा मुझे, इसको मारूंगा कैसे? ये क्या है भाई, वो ये ड्रिंक्स भी पी रहा है यार, अगर मेरे पास जहर होता तो मैं ड्रिंक्स में मिला देता।
ये इन्वेस्टिगेटर इधर क्यों नहीं आता यार? कम ऑन इन्वेस्टिगेटर भाई, इधर आ जा तू। देख यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं कॉइन फेंक दूँ क्या? हाँ देख क्या क्या है वहाँ। इसके कपड़े पहन ले भाई तू तो। If you're dressed like a detective, इसको उठा, इसको उठा। You might as well act the detective. इसको उठा के लेके चल भाई। I suggest you go talk to the butler. क्या? मुझे talk to the butler? Butler से बात करनी है मुझे। कौन है butler भाई? एक तो यहाँ पे ये सिक्का पड़ा हुआ है, किसने फेंक दिया यहाँ पे सिक्का? पता नहीं किसने फेंका है। और ये पानी किसने फैलाया यार? पानी वेस्टेज कर रहे हो तुम लोग। कौन था बेवकूफ आदमी यार? पता ही नहीं, ये लोगों का ध्यान ही नहीं है यार। पानी वानी बचाओ यार। अब मैं हूँ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और मुझे बटलर से बात करनी है। ये बटलर है। हे बटलर, मिस्टर व्हिटमर, आर यू रेडी टू इंस्पेक्ट द क्राइम सीन नाउ? ए मुझसे किसने पूछा हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड भाई, मैं अच्छा हूँ। इन दोनों में से किसी ने पूछा मुझसे यार कि कैसे हैं आप? ठीक है, मैं इससे बात करूं। If you follow me, sir. ओह, अपने को फॉलो करना है इसको। मिस्टर फ्रिंसबी, मिस्टर फ्रिंसबी, काफी रॉयल नाम है तेरा। है तू बटलर? ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। 1 minute 37 seconds later. Okay, तो यहाँ पे ये हुआ है कि भाई ये जैकरी था किसी, जो मैडम कार्लाइल है उसका भाई है, और उसने क्या किया कि सुसाइड कर लिया। मैडम को लगता है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसको किसी ने मारा है। वो जानना चाहती है कि ये गड़बड़ किसने किया, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, अपने को पता लगाना पड़ेगा भाई अंदर जाकर। A locked room murder mystery 47. Investigate करना है अपने को जैकरी का बेडरूम। ये जैकरी है, ये मर गया बेटा। Don't you use your camera to scan the dead body 47? इसकी बॉडी को स्कैन करना है। ठीक है भाई, मैं स्कैन कर लेता हूँ इसकी बॉडी को। मेरे पास स्कैनर भी है कैमरे में। Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. Okay. बंदे को सब कुछ पता है। इसने बोला है कि रात के 10 बजे इसका मर्डर हुआ है और किसी पॉइजन, जो है किसी पौधे से आए हुए पॉइजन ने इसको मार दिया। इसने जानी वाला पोज ले रखा है। हम है जानी, हम है राजकुमार, हम ये हैं, हमें पानी मत दो, हमें प्यास लग जाएगी, हमें बियर चाहिए। गमला किसने लगाया यहाँ पर? ये बाहर कौन खड़ा है? अबे तूने तो नहीं मारा ना? सर। सर क्या, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? मुझे एक बात बता, तूने पक्का कुछ तो किया है? यहाँ पे दारू की बोतलें में पड़ी हुई हैं। तूने उसको मारा ना? तुझे फेंक दूँ नीचे? फेंक दिया ना तो सब लोग देख लेंगे। प्रॉब्लम ये है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है ये रूम को। ये क्या पड़ा हुआ है? लैपटॉप। ज़ैकरी वाज़ शॉपिंग फॉर न्यू वेलिंगटन्स लास्ट नाइट। नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन सुसाइडल। ओह, ये इसने में बोला है कि लैपटॉप में जो है ये काउबॉय बूट्स जो है वो सर्च कर रहा था भाई, रात को शॉपिंग कर रहा था काउबॉय बूट्स के लिए। सुसाइड करने वाला ये सब क्या करेगा? और ये इसका सुसाइड नोट है क्या? इसमें जो जैकरी है उसने बोला है कि मैं अपने पास्ट की जो चॉइसेस है उनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ और अपनी बहन को जो है छोड़ करके जा रहा हूँ। यहाँ पे बुक पड़ी हुई है भाई, कोई सीक्रेट रास्ता तो नहीं है ना? फिर से सीक्रेट रास्ता। सीक्रेट पिता, सीक्रेट पिता। अरे भाई अंदर से सब दिखता है इसमें, बाहर का ये क्या पड़ा हुआ है? A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene 47. Maybe it's time to see the butler. अब बोल रहा है कि बटलर के पास में जाना है मुझे फिर से। भाई इसको किसी करीबी ने मारा है मुझे लग रहा है, क्योंकि सबने जो है का फ्लोर प्लान बना रखा है पूरे मेंशन का। बटलर कहाँ पर है? बटलर नीचे है, मुझे नीचे आना पड़ेगा फिर से। ओह बटलर, हम ये हैं, हमने सारी जानकारी तैयार कर ली है। Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. ठीक है भाई, अपने को करना है क्वेश्चन सस्पेक्ट्स इन सर्च लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, अपने को सस्पेक्ट्स से बात करनी है अपने पास। ये कौन बंदा है यहाँ पे, क्या खड़ा है ये, कौन है ये? Patrick Carlyle. Can you tell me where you were yesterday evening? ओके भाई, इसका नाम पैट्रिक है और इसने ये बोला है कि ये किसी रोजी नाम की बंदी के साथ में था लास्ट नाइट। तो और ये इसका जो शक है वो बटलर पे, हो सकता है बटलर ने किया। और मुझे भी काफी शक है यार बटलर पे, मुझे लगता है उसी ने जो है जायदाद के चक्कर में इसको लुढ़का दिया है। अब देखता हूँ और किससे बात करनी है भाई, और कौन है यहाँ पे। 10 seconds later. एक तो क्या घर बहुत बड़ा है यार यहाँ पे, एक तो चीजें मिलती नहीं है, लोग ही नहीं मिलते यार, बड़ी मुश्किल से मिलते। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे बात कर सकता हूँ। आंटी चुप हो जा, मुझे बात करनी है उससे, तेरे चक्कर में बिजी हो रखा है वो यार, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है हो गया, अब इससे बात कर सकते। ओके भाई, तो ये जॉर्ज है, इसने ये बोला है कि ये तो रात को दारू वारू पीने गया था अपने भाई के साथ। तो यार इस इनके हिसाब से तो यार किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ तो किया होगा यार। कम ऑन, ए इससे बात नहीं की ना मैंने। ए ये कहाँ जा रही है, ये आंटी कहाँ जा रही है? ये आंटी, मुझे उससे बात करनी है। Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening?
रिबेका तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कि सारे इस बात से खफा है कि ये जो बड़ा बेटा है इसको सारी दौलत मिल जाएगी। सब लालची हैं यार, इन्होंने लालच में मार दिया उसको, वो चाचा था इनका और उनका उसका खून कर दिया इन्होंने। ओके तो इसमें अपन ने सबसे बात कर ली, इससे भी बात कर ली, सबसे बात कर ली। अब मुझे रूम देखना है, मुझे एमा और जॉर्ज का रूम देखना है भाई। बोलो इसको गेट को, एमा और जॉर्ज का रूम कहाँ पर है भाई? ये क्या है, यहाँ पे AK-47 पड़ी हुई है भाई, और यहाँ पे गन पड़ी हुई है भाई, यानी कि बस ऐसे भी मार सकता हूँ, अगर मैं मारना चाहूँ तो सबको अटैक करके मार सकता हूँ। बाहर क्या चीज मिल रही है यार, देखना पड़ेगा मुझे बाहर जा करके। ओ यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? डिस्गाइज योरसेल्फ एज फोटोग्राफर, जिस फोटोग्राफर की तरह बनना पड़ेगा यार, इसको मारना पड़ेगा मुझे। हेलो भाई कहाँ जा रहा है तू, मुझे जानना है तू जा कहाँ पे रहा है भाई। यहाँ पे यार एक तो दो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसको मारना पड़ेगा मुझे किसी तरह से। किसी को बॉडी ना मिल जाए बस वो, अगर मैं इस फोटोग्राफर को मार दूं तो इस जगह पे जाके कौन देखेगा मुझे। अब मैं पहन सकता हूँ ना इसके कपड़े। ओके अपन बन चुके हैं फोटोग्राफर, अब मुझे जो है फ्यूज सेल फाइंड करना है, फाइंड ए फ्यूज सेल। ओके यहाँ पे फ्यूज सेल है, मिसिंग क्रोबार, अब मुझे क्रोबार ढूंढना पड़ेगा यार, उसको तोड़ने के लिए मुझे क्रोबार की जरूरत है। क्या यहाँ पे एक भी जगह क्रोबार है? ये क्या पड़ा हुआ है? स्टाफ की लॉकर रूम की की, ये रेडियो को टर्न ऑन कर सकता हूँ बट मुझे चाहिए। ओ ये रहा क्रोबार, क्या मैं इसको ले लूँ? ओके किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने ले लिया भाई। ओके भाई क्रोबार तो मिल गया, मुझे जो है उसको तोड़ करके अलमारी को जो है फ्यूज सेल निकालना पड़ेगा भाई। फ्यूज सेल ले लेता हूँ भाई मैं जल्दी से। अब अपने को क्या करना है, पावर अप द कैमरा फ्लैशेस, ठीक है। ओके अपन ने पावर अप कर दिया है, टेक ए फोटो ऑफ स्टाफ मेंबर विद द फोटोग्राफर्स कैमरा। ओके मुझे स्टाफ मेंबर की फोटो लेनी है, ठीक है मैं ले लेता हूँ तेरी फोटो, खुश हो जा तू भी। अब वेट फॉर द स्टाफ मेंबर टू टेक्स्ट डाउन द कार्लाइल फैमिली, चाहिए बुलाएगी सबको नीचे। इसको मैं हटा दूं क्या जल्दी से? फैमिली फोटो लेनी है इनको, मुझे लगता है इनकी इनकी लास्ट फोटो होगी ये। कोई उसके पास कोई और ना चला जाए यार, बस मैं तो यही चाहता हूँ। अरे ओ ये जा रही है वहाँ पे, करंट किसके लगेगा मैं तो ये जानना चाहता हूँ। क्या करना है मुझे यार, मैं फोटो ले लूँगा तो करंट तो लगा ही नहीं किसी के। ये मरेगी नहीं क्या यार, मुझे तो इसको मारना था, मैंने तो एक्सपोज भी किया था वायर। 5 minutes later. कुछ फायदा ही नहीं हुआ भाई कुछ भी करने का, मुझे लगता है डिटेक्टिव के कपड़े सही है, वही पहन लेता हूँ मैं तो। इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूँ, बात ये है इन लोगों में पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है। मैप में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं कौन से एरिया में नहीं गया हूँ। ये क्या चीज है भाई, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? इधर से जाना पड़ेगा शायद ग्रेवयार्ड के लिए। क्या यही क्या ग्रेवयार्ड आ गया क्या मैं? हाँ बिल्कुल भाई यही ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान यहाँ पर मिलेगा अपने को। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट क्यों जली हुई है? Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? Yes, okay. इसमें बोला है get rid of the birds nesting in the graveyard. अच्छा, यहाँ पे क्या है? Alexa जो है अपना funeral करवा रही है भाई, कि उस दुनिया को दिखाना चाहती है वो मर गई है। तो ठीक है भाई उसको मैं चांस देता हूँ, उसको मार ही देते हैं अपन। यहाँ पे उसकी आखिरी कब्र बनेगी यहाँ पे, और अंडरटेकर वाला साइन लगा हुआ है यहाँ पर। अब उसने ये बोला है कि मुझे किसी भी तरह से इसको जो है ये जो नेस्ट है इसको तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ूं? ईंट से तोड़ूं? ईंट से जाएगा क्या ये? फेंकता हूँ मैं इसको, कुछ भी नहीं हुआ और उसको शक और हो गया भाई। यार ईंट से तो नहीं जाएगा ये, किसी और तरीके से करना पड़ेगा। क्या मैं अपनी गन से उड़ाऊं इसको? ओके अब मुझे करना है भाई डिस्गाइज योरसेल्फ एज द अंडरटेकर, अंडरटेकर की तरह डिस्गाइज करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर ये है भाई, वैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे मार तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको मैं मार दूँ तो भाई खत्म करते हैं इसका भी काम और इसकी तरह कपड़े कर लेते हैं। गन कहाँ है मेरी, गन कहाँ है, गन कहाँ है, गन कहाँ है? ओह नो बता देगा वो, लाशों के ढेर लगा दूंगा यहाँ पर मैं। काम खत्म हुआ भाई, मैंने सबको मार ही दिया है, कोई बचा ही नहीं है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब मैडम जो आएगी वो इस रास्ते आएगी, है ना? मैडम के आने के लिए मुझे यहाँ पर जितने भी बॉडीज हैं उनको छुपाना पड़ेगा।
ठीक है, सब एरिया पूरा क्लीन हो चुका है, मुझे लगता है मैडम यहाँ पर आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं भाई। ठीक है, अब मुझे करना इन्फॉर्म द स्टाफ मेंबर दैट यू आर रेडी फॉर एलेक्सा कार्लाइल। ठीक है, आई एम रेडी, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हेलो स्टाफ मेंबर, कैसी है? आई एम रेडी टू शो मैडम कार्लाइल द फ्यूनरल अरेंजमेंट्स। यू गॉट रिड ऑफ द बर्ड्स? यस। मैंने बर्ड्स क्या, मैंने तो बहुत सारे लोगों को सल्टा दिया यहाँ पर, तुझे पता है। तुम दो ही हो यहाँ पर। वेट फॉर एलेक्सा कार्लाइल टू अराइव। ठीक है भाई, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे क्या दिक्कत। 15 मिनट्स लेटर। आइए मैम, आइए आइए, आ जाइए। यार ये बॉडीगार्ड और इसके साथ में प्रॉब्लम इस बॉडीगार्ड की, इसको मैं पीछे से नहीं मार सकता क्या यार? वो उधर देख रहा है ना। गुड बाय, एक सेकंड, इसका भी काम खत्म कर देता हूँ मैं जल्दी से भाई जाकर। अब इसको तो मुझे मारना पड़ेगा, इसको मैं बेहोश नहीं कर सकता, इसकी बॉडी को आराम दे देते हैं थोड़ा सा, इसको भी डाल देते हैं अंदर ही। एक मिनट, इसके कपड़े पहन लेता हूँ बॉडीगार्ड वाले, अंदर जाने नहीं देंगे नहीं तो मुझे। ठीक है भाई, अपने को करनी है फाइंड द केस फाइल। अब केस फाइल कहाँ से मिलेगी? ओ, इस आंटी को शक है मुझे, इससे बच के जाना पड़ेगा, इससे बच के जाने का एक ही रास्ता, यहाँ पे कॉइन फेंक देता हूँ। hey, तू देख क्या वहां पर क्या आया। क्या बात है भाई, क्या दिमाग लगाया मैंने, यहाँ पर किसी को शक, अरे यार यहाँ पर इसको शक है। ओ हार मत आना भाई, यार यहाँ पर तो बहुत से लोगों को शक है मुझ पे। यार मुझे कई कुछ और कपड़े पहनने पड़ेंगे भाई, अभी तो बहुत से लोगों को शक है मुझ पे, मुझे लगता है मुझे डिटेक्टिव वाले कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। डिटेक्टिव वाले कपड़े जो है मैंने कहाँ पे फेंक रखे हैं? शायद ग्रेवयार्ड के पास में फेंक रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन, केस फाइल फाइंड करते हैं, सीधा सीधा रास्ते जाता हूँ मैं, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी कुछ, है कि नहीं? लेकिन केस फाइल यार इतने बड़े घर में कहाँ पे मिलेगी केस फाइल? यार यहाँ पे गाड़ी खड़ी है इतनी बढ़िया, कौन सी गाड़ी है? ऑडी ऑडी है क्या ये? ओ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बॉडीगार्ड के हिसाब से रिबेका और मिस्टर फ्रिंस भी, जो बटलर है उसके पास में एक एक टोकन है जो किसी बॉक्स का है, अब उस बॉक्स के अंदर हो सकता है कि फाइल हो। अब रिबेका और उसको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे चिप्स पड़े हुए हैं, ये चिप्स है क्या? चिप खा रहे हैं ये लोग, खाओ खाओ ठूसो सालो। लेकिन इतने बड़े घर में अब रिबेका और उनको कहाँ पे ढूंढूं मैं आ गया फिर से। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या हो गया तेरे? कहीं और चलना पड़ेगा अपने को, मुझे लगता है ऊपर चल के जाते हैं यार, ये ऊपर जाने का रास्ता है, मुझे देखना पड़ेगा यार मैं अलाउ हूँ क्या यहाँ पे जाने के लिए। ओह ये मुझे जाने नहीं देगा यार, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मार दूं तो? गुड बाय ब्रो, तुझे नीचे नहीं आना चाहिए था, लालच बहुत बुरी बात है। ये क्या एरिया है भाई, ये सब क्या चल रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रही है तू आंटी? तो ये गार्ड तो यार आगे खड़ा है यहाँ पे, इस आंटी, ये आंटी अंदर आएगी क्या? अगर ये अंदर आए ना तो इसको मार दूं मैं, फिर इसको मार दूं मैं, और दोनों की लाश को यहाँ पे छुपा दूं। मस्त प्लान है। हो वो एक्चुअली मैं अंदर आ गई है, मैं गेट लगा देता हूँ आराम से, वहां पे कॉइन फेंक देता हूँ एक तो। ओके अब ये एरिया तो क्लीन हो चुका है भाई, कॉइन यहाँ पे ले लिया मैंने। इसके अंदर क्या है? तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है मुझे। ओ यहाँ ये क्या आ गया भाई, कुछ बात चल रही है क्या यहाँ पर? Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering. Safe behind painting, ये बोल रहा है बॉडीगार्ड के हिसाब से एलेक्सा कार्लाइल के ऑफिस में एक सेफ है किसी पेंटिंग के पीछे। ये ऑफिस है क्या? एक सेकंड, ये एलेक्सा कार्लाइल का ऑफिस है भाई, अब इस ऑफिस में ही मुझे कुछ मिलेगा। और यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है, यार भाई तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बट तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा यार, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे कुछ सही तरीके से काम करना है तो इसके लिए तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसका काम हुआ, और कौन बचा हुआ है? यहाँ पे दो लोग हैं, अब इन दो का कुछ करना पड़ेगा मुझे। ओके चलो भाई अपना काम हुआ, अब मैं चलता हूँ, अब मैं बटन बटन सब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे है वो बटन? ये बटन है, इसको दबाने से क्या होगा? क्या हुआ? ओए ये क्या हुआ? इसने बोला है कि ये जो ऊपर के आइकन है इनका कुछ कोड है, एक घड़ी, टेलीस्कोप, फायर, और ये क्या है? मूस, फायर, ये फायर है, फायर के पास में गया मैं, क्या है फायर के पास? ओ फायर के पास 7 नंबर लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब है फायर का जो नंबर है वहां पर कोड जो है वो 7 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसने बोला था वॉच, ये वॉच है, ऐसी वॉच नहीं है वो, और कोई वॉच है, और वॉच कहाँ पर है? यहाँ पर
ये वॉच है, इसके ऊपर वन है, ठीक है भाई, इसके ऊपर वन बना हुआ है, ओके वॉच का हो गया। ए मूस मिल गया मुझे, मूस मिल गया, मूस के पास में कहां पर है? मूस के पास में फाइव है। अब मुझे चाहिए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कहां पर है यार, क्या मैं ऊपर जाऊं? ओ ये रहा टेलीस्कोप भाई, टेलीस्कोप भी मिल गया, टेलीस्कोप के पास क्या है? नाइन। ओके अपने को चारों मिल चुके हैं भाई, अब अपने को जाना है, मुझे लगता है इस बार हो जाना चाहिए, अपने को फाइल मिल जानी चाहिए वहां पर। ओके अब अपने को लगाने है कोड, कर दूं ओके। ओ सेफ खुल गई भाई, फाइल मिल गई, वाह क्या सीन है, मिशन हो गया भाई। नाउ हेड टुवर्ड्स एन एग्जिट, मुझे एग्जिट पे जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नीचे लोगों को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं डिटेक्टिव के कपड़े पहन लेता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी भाई। भाई तुम लोग किसकी सिक्योरिटी कर रहे हो? तुम्हें पता है इस मेंशन में अब कोई भी नहीं रहा, अब उनके हवाले हो चुका है बड़े लोगों के पास में। जाने से पहले एक फोटो तो ले लूं इस मेंशन की भाई, तगड़ी वाली फोटो आएगी यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, आराम से आए थे अपन, आराम से जा रहे हैं, अपनी बाइक से आए थे, बाइक से जाएंगे। और भाई लोग तुम्हारी एक फोटो ले लूं तो? ओके भाई ये कंप्लीट होता है अपना डिटेक्टिव वाला मिशन, बाकी आपको मिलते हैं अपन नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर। हो सकता है GTA 5 आए, या हो सकता है हिटमैन आए, या हो सकता है माइनक्राफ्ट आए, मुझे नहीं पता, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चलिए आपको मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए, एंड पीस आउट।